पाजी डरने से मुझे याद आया, हाँ जी, एक बार ना काफी दफा पहले ये थोड़ा बीमार हो गए, इनको जख्म हो गया कोई। अच्छा जी। तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, हमने कहा चलो डॉक्टर के पास लेके चलते, तो उन्होंने कहा कि इनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डरते बहुत हैं, तो कहने लगे यार लखविंदर एक किदा कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि पापा जी वो टीका मतलब भर के ना वो लगाएंगे इंजेक्शन के, है ना, काफ़ी निकाल लेंगे। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब पूछा, मैंने कहा क्या अभी कर लें आप, अभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पापा जी खाया क्या था, इन्होंने कहा मैंने रोटी खाई, ये खाया, वो खाया। तो कहा फिर ठीक है, फिर आप कल आ जाना सुबह, क्योंकि बिना खाए पिए आपको ये टेस्ट करना है, देना अच्छा है। जी। तो ये कल मुझे रास्ते में जाते हुए पक्का कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें कल ये काम भी है वो काम भी है। मैंने कहा हाँ है, तो थोड़ा रियाज भी करना है। मैंने कहा हाँ जी करना है, वो भी कर लेना और साथ में वो दूसरा ये वो काम भी कर लेना, तो मैं करवा लूँगा, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है पापा जी, मान गए अच्छी बात है। तो डॉक्टर के पास गए, तो शाम को वापस घर आए, तो घर जब आए तो सारी जो रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल, तो बाद में पता चला किसी ढोलकी वाले का सैंपल दिया है। वो भी ना मुझे एक बात और याद आई अपनी। वो ऐसे था कि मैंने आंख का ऑपरेशन करवाना था। अच्छा जी। तो मुझे कहने लगे पापा शुगर बहुत है आपके, अभी नहीं पड़ेगा। मैंने को बोला, कहता नहीं पापा ये नहीं अभी वो शुगर, कहते कंट्रोल करो। मैंने कहा आप ऐसे ही करते हो। मैं कैंप में, वो उस कैंप में चला गया, जाके दाखिल हो गया, आप ही चला गया जिस वक्त हो। और सुबह उनको दिखाना था बाथरूम भी, दिखाओ भाई देखे में शुगर नहीं है जी। मेरे पास एक लड़का और था, मेरे नजदीक, उसको भी मिला था वो, बैठे सोने के लिए, उसने भी करवाना था। अच्छा जी। मैं कह बेटे मेरा बाथरूम डुल गया, तू थोड़ा सा कर दे। उन्होंने अच्छा ये नहीं पता था मुझे ना 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 जी उन्हों वो ऐसी बात बनी ना जाके वो मैं जाके डॉक्टर को बताया। मैं कह जी देखो, वो कह लगा आपको तो शुगर है ही नहीं, ले आओ आपका ऑपरेशन करे। मैं ऑपरेशन करवा के घर आ गया, आज तक ठीक है बिल्कुल। पापा जी आप सुना है लता जी को भी आप काफी पसंद करते हैं, उनके गानों को भी। हाँ जी। आज कल उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है। अच्छा जी। पर वो पहले से बहुत बेहतर है। पापा जी अगर उनकी गाने की कोई दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, मजा आ जाए। वो भी देखती हैं हमारा शो, उनको अच्छा लगेगा। माइक माइक ले आइए प्लीज। लता जी ने हर चीज ही बोली है, गजल, ठुमरी, काफी, गीत, भजन, शब्द, कव्वाली, ये हर चीज ही गाई है। क्या बात, वाह वाह। गवैया वो है जो हर चीज को जाने। वाह। तो इसलिए देखो उनकी महाराज जिंदगी बख्शे परमात्मा, यही दुआ करो कि महाराज वो सही सलामत हो। आप बन जा थोड़ी सी जांगी चांगी बोली है, आप बन जा कि मैं कासिद भेजा, लिख चिट्ठियां गाल बंजाव, आप बंजा के मैं कासद भेजा, लिख चिट्ठियां गाल बंजाव।
पाड़ के चोला लाजवाल, पाड़ के चोला लाजवाला, कल प्रीत दी कफनी पावा, जोग लगाऊंगा के भेस बटावा, दर याद दी अलग जगा, पीर फरीद जो दी ओ जा जाने, कल प्रीत दी कफनी पावा, चिट्ठिये नी चिट्ठिये चिट्ठिये दर्द फरांग वाली, चिट्ठिये दर्द फराक वाली, ओ ले जा ले जा सुनिया सुन यार दा, ओ ले जा सुनिया सुन यार दा, ओ ले जा सुनिया सुन यार दा, चिट्ठिये दर्द फरा ले जा सुनिया सुन यार दा, आओ ले जा सुनिया सुन यार दा। चन चढ़ जा कुले आलम दे गए, चन चढ़ जा चन चढ़िया कुल आलम दे गए, चन चढ़िया कुल आलम दे गए, मैनू ते तेरी पैन भुले गए, मैनू ते तेरे पैन भुले गए, मैनू ते ओ ममिता वेखा मुखिया, ओ ले जा सुनिया सुन यार दा, ओ ले जा सुनिया सुन यार दा, ओ ले जा सुनिया सुन यार दा, सुन यार दा, ओ सुन यार दा, ओ सुन यार दा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।